इस वक्त मैं अहमदाबाद की एक पतंग की दुकान पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की पतंग है। जैसे आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, इस पे लिख रहा है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, मेरा भारत महान। ऐसी तमाम पतंगें आपको देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, आप यहाँ दुकान पतंग के साथ साथ मांझे भी हैं। जब पतंग की बात आती है तो साथ में मांझे की भी बात होती है, लेकिन जब मांझे की हम बात करते हैं तो चाइनीज़ मांझा और दिमाग में आ जाता है। लेकिन हमने इस दुकान के जो मालिक है उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, अब चाइनीज़ मांझा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो हानिकारक होता है। तो ये वैसे आपको मैं बताना चाहूँ, जो ये छोटी पतंगे हैं ये उड़ाने के काम तो नहीं लेकिन सजाने के काम आती है। साथ में हमें दुकानदार ने ये भी बताया कि ये विशेष तौर पर अहमदाबाद और गुजरात में पतंगबाजी को लेकर इतना क्रेज़ है, गुजरात में पतंगबाजी को लेकर काफ़ी क्रेज़ रहता है। तो ये क्रेज़ बच्चों में, बुजुर्ग में, किस किस वर्ग में है? सभी में, मतलब छोटे से लेके बड़े तक में, और 5 साल से बच्चे से लेके 70-80 साल के बूढ़े तक में है। चाइनीज़ मांझा जो नायलॉन को मांझा होता है वो कभी एक्सीडेंटेबल होता है, टूटता नहीं है, कभी किसी के गर्दन में फंस जाए टूटता नहीं है। की तो मैं, ये तो कॉटन का मांझा होता है, कंपनी वर्धमान कंपनी और जो कॉर्ड्स कंपनी है वो उसका थ्रेड लगता है इसमें, तो वेरिएशन वहाँ से होता है। अगर उनके रेट बढ़ते हैं तो इस मांझे का भी रेट बढ़ता है, और उनके रेट सेम रहते हैं तो रेट सेम ही रहता है। सेलिब्रेशन तो है ही, एक उत्सव के तरीके से मनाते हैं सभी गुजराती लोग इस फेस्टिवल को, और क्या है। और मोदी जी बहुत ऊपर ले गए इसको, पहले भी मनाया जाता था लेकिन उनके आने के बाद में और ज़्यादा पर्व को अच्छी तरीके से मनाया जाता है। नहीं, ये सभी है, गरीब लोग भी उड़ाते हैं और अमीर लोग भी उड़ाते हैं, सारे में क्रेज है। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोग उड़ाते हैं ये लोग, बच्चे बूढ़े भी सब। और इसका नाम है गुल्ला पतंग, ये दोनों आँखें हैं इसकी तो उसका नाम है गुल्ला पतंग। हाँ, यस। ये छोटा सा पैकेट है, इसमें 100 नंग की पतंग है, इसमें एक पैकेट में 100 नंग आते हैं। और ये ऑफिस हो या वर्कशॉप है या बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट ऑफिस है वहाँ पे ये सजाने के लिए वो लोग ले जाते हैं, और मंदिरों में भी लगाने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए ये पतंगें लगती है। सजावट के लिए, भगवान को मंदिर में रखने के लिए, मकर संक्रांति के दिन मंदिरों में पूजा के लिए भी पतंग और चरखियाँ लगती है। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।